आप सब गाइस बाला ये 15 सितंबर को मनाया जा रहा था, लेकिन आज हम सब लोग जमा हैं एक अजीम शख्सियत को याद करने के लिए, उनको खिराजे अकीदत पेश करने के लिए, और उर्दू के लिए उन्होंने जो काम किया है, उर्दू को जो उन्होंने दिया है उनकी अजमतों का इकरार करने के लिए, और उसके साथ साथ इसका मकसद ये भी है कि हम अपनी शख्सियत को उनकी अजमतों को का इकरार करते हुए हम आने वाली नस्ल से हम अपने तालिबीन से जुड़े और उर्दू के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि हमारे जो हीरे जवाहर हैं और जो जिन पर आने वाले कल का मुस्तकबिल है उससे वो हम लोग हीरे जवाहर चुने, एक माहौल बने। इसका मकसद हर सेमिनार का, उर्दू डायरेक्टरेट के हर सेमिनार का ये मतलब और मकसद है कि इससे उर्दू का फायदा हो, उर्दू वालों का फायदा हो, और इससे उर्दू का को फरोग मिले, एक माहौल बने, एक फिजा बने। बेशक हमें अपने अखलाक को याद करना चाहिए, और अभी कई शख्सियतों पर यादगारी तकरीब मनाए जाने के लिए और इस नाम जोड़ने के लिए महकमा के पास नाम जेरे गौर है, और इंशाल्लाह हम लोग कुछ और शख्सियतों पर तकरीब का इनका करेंगे, बढ़ाएंगे, इसकी मंजूरी हम लोग को वहां से मिलेगी। कलीमुद्दीन अहमद, आप सब उनकी शख्सियत मुताबिक तारुफ हैं। वो 15 सितंबर 1908 को पटना सिटी में पैदा हुए, 1928 को बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया, 1930 एमए इंग्लिश में किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए और वहां से इंग्लिश में ट्राई कोर्स करके आए। 1933 में पटना कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, फिर 1937 में बिहार एजुकेशन सर्विस में आए, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, दो मरतबा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हुए, खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर हुए, बिहार उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रहे। इन तमाम ओहदों को बखूबी निभाते हुए उर्दू अदब की जो खिदमत की वो बहुत ही अहम है। बहैसियत नाकिन पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना मुकाम बनाया। उर्दू तहकीक के रुख को मोड़ दिया और अपने जुमले से उर्दू दुनिया में हलचल पैदा कर, जब उन्होंने कहा कि गजल एक नीम वहशी सिंह के सुखन है, पूरी उर्दू दुनिया में हलचल में। और बहैसियत नाते वो अपनी बातों पर कायम रहे, उससे वो पीछे नहीं है। का वो जो शायरी का सबब हुआ में भी उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया कि मैं अभी उस पर कायम हूं। तरकीब में जिस इंतहा पसंदी सख्त गिरी पर कायम रहे उसने उर्दू तरकीब को एक नई जिंदगी दी, एक नया रुख दिया। उनकी तस्नीफात और तालीफात में कमोबेश 20 से ज्यादा है। अमली तरकीब
दुकान और अपने दास्तान कोई वगैरह उसके अलावा इकबाली मुतालिया उर्दू अंग्रेजी डिक्शनरी कुलियात शाद की तरतीब वगैरह बहुत ऐसे काम हैं, इन तमाम कामों ने उनको जिंदा जावेद कर दिया, उर्दू अदब ने अपना नाम पैदा किया। हम तालिब इल्मों से जुड़ना चाहते हैं, हम तमाम प्रोफेसर हजरात से कहना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसे गुजारिश है कि आप उर्दू के स्टूडेंट को उर्दू के तालिबिल की ऐसी रहनुमाई करें, उनमें ऐसा शौक पैदा कर दे, उनमें लिखने का ऐसा जज्बा हो कि वो कल कल का कलीमुद्दीन अहमद पैदा हो, कल का काजी अब्दुल वदूद है, कल का शाह अजीम आबादी है, कल का आज कलीम आजीज, हमारे बच्चे ही हमारे मुस्तकबिल हैं। हम लोग कुछ लोग पढ़ते हैं, किताबे लिखते हैं, हम जो किताबे इधर से उधर देखते हैं तो यही लगता है कि जितने लोग लिखते हैं उतने ही लोग पढ़ते हैं, हमारी नई नस्लों को इसकी चाहत नहीं है। अगर इन्हें पढ़ भी रहे हैं तो वो शौक नहीं है, वो रहनुमाई नहीं है, उनकी सही रहनुमाई की जाए कि वो बहुत से तालिबों के मन में ये होता है कि आखिर हम पढ़ के क्या करें, उनकी ऐसी रहनुमाई होनी चाहिए कि उर्दू पढ़ने वाला और उर्दू में सही सलाहियत रखने वाला कोई भी तालिबिल बेरोजगार हो ही नहीं सकता, इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। हम इस्तकबाल करते हैं, हम खैर मकदम करते हैं कि इस जगह पर आपका आना आपका वक्त देना ये मामूली बात नहीं है, आपका दूर से यहाँ आना, आने की सवारी का दिक्कत होना, फिर यहाँ बैठना, इसमें आपको परेशानी है, लेकिन अभी सरकारी तौर पर हम लोग को ये इसी डिपार्टमेंट का है, मैं इसी महकमे का है ये बिल्डिंग अभिलेख भवन और इस्तकबाल। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं कि हम सब अपने बच्चों को अपने तालीम को और उर्दू के लिए जिनसे जो बन सके वो करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।